देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो आपको लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। और ये चेंजेस करने के लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, और संविधान में भी सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि 5 आर्टिकल्स में आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे या बदलाव करना पड़ेगा। इस पर राजस्थान के कानून मंत्री का भी एक लिखित में जवाब आया है, ये आप वो पर्चा देखिए। और आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि किन 5 कानूनों को बदलना पड़ेगा और उसके मायने क्या हैं। दूसरा है कि एक देश एक चुनाव की चुनौतियां क्या है, इसमें मैंने आपको बताया है कि लोकसभा राज्यसभा और राज्यों के बहुमत पाने में सरकार कैसे फंस सकती है। और तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, क्योंकि आखिरकार इलेक्शन कमीशन को ही ये सारे चुनाव करवाने पड़ेंगे। चौथा है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति क्या है, और पांचवा है कि किन देशों में होते हैं एक साथ चुनाव। तो सबसे पहला है कि वो कौन से 5 कानून हैं संविधान के जिनको बदलना पड़ेगा और इनके मायने क्या हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 174 और 356 में परिवर्तन करने होंगे। अब आप इसके मायने समझिए। तो संविधान का आर्टिकल 83 ये कहता है कि आपात हालात को छोड़कर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से आगे ना बढ़ सकता है और ना ही कम हो सकता है। और संविधान का आर्टिकल 172 ये कहता है कि जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तब तक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से ना आगे बढ़ सकता है और ना ही कम हो सकता है। अब इमरजेंसी सिचुएशन में 2 बार कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं, एक बारी में 1 साल और दूसरी बारी में 6 महीने है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए। अब इन दोनों आर्टिकल्स में यानी 83 और 172 में हमें बदलाव करना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तब भी हम लोग लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सके और चुनाव तारीखों के हिसाब से एडजस्ट कर सके। अब आपातकाल सिचुएशन तभी आती है जब कोई सरकार गिर जाती है। अब आते हैं संविधान के आर्टिकल 85 पे जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को हर 6 महीने में संसद सत्र बुलाना जरूरी है, और आर्टिकल 174 ये कहता है कि राज्यपाल को भी हर 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। अब इन दोनों कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा ताकि जरूरत के हिसाब से संसद बुलाई जा सके, चाहे कोई इमरजेंसी हो या फिर ना हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान। आपातकाल यानी इमरजेंसी सिचुएशन में राज्यपाल की रिपोर्ट के हिसाब से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लगा दे, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दे। यही वो कानून है जो विधानसभा और लोकसभा को पहले ही भंग करने की ताकत रखता है अगर मौजूदा सरकार ने विश्वास खो दिया है तो। अब इस कानून में भी सरकार को चुनाव की तारीखों की जरूरत के हिसाब से बदलाव करने पड़ेंगे। और तो और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में भी बदलाव करने होंगे। दूसरा है कि एक देश एक चुनाव की चुनौतियां क्या है। अब अगर आपको ये लोकसभा में पास करवाना है, राज्यसभा में पास करवाना है, राज्यों की अनुमति लेनी होगी, तो ये केक वॉक नहीं है जो आसानी से पास हो जाएगा। ये पूरा आप जो नंबर गेम है वो समझिए इस पॉइंट से। सरकार को लोकसभा राज्यसभा और सभी राज्यों का वोट लेना होगा, 3/4 बहुमत की जरूरत होगी। कहीं भी गड़बड़ी हुई तो ये फिर पास नहीं हो पाएगा। अब आप गणित समझिए। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा का खेल। तो कुल सदस्य हैं 539, सरकार को बहुमत के लिए जरूरी है 404 सदस्यों की मंजूरी, और अभी एनडीए के पास है 333, और एनडीए को अभी और जरूरत है 71 सदस्यों की मंजूरी की। अभी 71 सदस्य कहां से आएंगे? विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास कुल 142 सदस्य हैं, तो ये तो समर्थन करने से रहे। कई पार्टियां ऐसी है जो ना अभी तक एनडीए में शामिल हुई है और ना ही इंडिया में, जैसे कि ये सारी पार्टीज देखिए, टीआरएस, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, शिरोमणि अकाली दल, जेडीएस, बीएसपी, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, टीडीपी, आरएलपी, इन सब के पास कुल मिलाकर 63 सीटें हैं। अगर ये 63 ने भी समर्थन कर दिया एनडीए को, तब भी 8 सदस्यों की और जरूरत पड़ेगी, तो वो कहां से आएंगे? और ये भी जरूरी नहीं है कि ये सभी 10 पार्टियां बीजेपी का समर्थन करें, ऐसे हालात में कानून कैसे पास होगा? अब समझते हैं राज्यसभा का खेल। तो कुल सदस्य हैं 238,
सरकार को बहुमत की जरूरत है 178, एनडीए के पास है 111 और एनडीए को और जरूरत है 67। अब ये 67 सदस्य कहां से आएंगे? विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास तकरीबन 98 सदस्य हैं, तो ये लोग तो समर्थन करने से रहे। 29 सदस्य ऐसे हैं जो खेल पलट सकते हैं, जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के पास हैं। तो ये 29 सदस्य डिसीजन मेकर्स बनेंगे, तब भी बीजेपी को और संख्या बल की जरूरत पड़ेगी। अब समझते हैं राज्यों का खेल। तो कानून पास करवाने के लिए सरकार को आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, यानी 14 राज्यों का समर्थन। इस वक्त 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है, पर 5 राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में है बीजेपी, और वहां क्षेत्रीय दल का दबदबा ज्यादा है, यानी वो लोग बीजेपी से ज्यादा डोमिनेंट है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव आने से क्षेत्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय मुद्दों का नुकसान होगा। तो अगर इन क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का इस कानून में समर्थन नहीं किया तो बीजेपी राज्यों का बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी और ये कानून पास नहीं हो पाएगा। अब तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है। अब हम तो ये सारी डिबेट्स कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए, पर प्रैक्टिकलिटी में आखिरकार इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराएगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है एक साथ चुनाव करवाने के लिए? ये जवाब सुनिए। हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन के मुखिया से एक देश एक चुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं ये करने के लिए, जो भी लीगल चेंजेस होंगे वी आर रेडी। अब इसी बात पर 3 सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला तो एक साथ चुनाव कराने के लिए नई ईवीएम मशीनों का कितना खर्चा आएगा? क्या केंद्रीय सुरक्षा बल इतना हमारे पास है कि एक साथ चुनावों में एक ही वक्त पर हर जगह लगाया जा सके? सभी ईवीएम मशीनों को एक साथ स्टोर करना होगा, एक साथ कई चुनावी केंद्र चुनने होंगे, ये सब आखिर कैसे होगा? चौथा है कि आखिर पक्ष और विपक्ष की राजनीति क्या है, बीजेपी का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है, कि इसके पीछे जो राजनीति है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हटकर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि एक साथ चुनाव कराने से पैसा बचेगा, वोटर्स को तकलीफ कम होगी, बार बार वोट मांगने की बजाय नेता लोग काम पर ध्यान देंगे, हर वक्त प्रचार में बिजी नहीं रहेंगे, और बार बार आचार संहिता लगाने पर भी कई विकास कामों में दिक्कत आती है। इसी पर विपक्ष ये कह रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से पैसा बचेगा नहीं, उल्टा ज्यादा खर्च होगा। हर 15 साल में ईवीएम मशीनों को बदलना होता है, ऐसे तो बस एक मशीन का इस्तेमाल 3 से 4 बार ही हो पाएगा, और ये लगाने के लिए ईसी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि टैक्स पेयर्स यानी जनता का पैसा है। एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दल और मुद्दे भी दब जाएंगे और बीजेपी को फायदा होगा, नेताओं की बार बार जवाबदेही जनता के लिए खत्म हो जाएगी, ये सब कहना है विपक्ष का। और आखिरकार किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं? और मैं आपको बता दूं कि भारत में भी आजादी के बाद एक ही साथ चुनाव होते थे, ये ग्राफिक्स देखिए आप। तो किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं? जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, स्वीडन और बेल्जियम। आपको बता दूं कि ब्राजील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास जैसे देशों में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। हालांकि भारत में भी इस व्यवस्था के तहत चुनाव हो चुके हैं, आजादी के बाद 4 चुनाव लगातार इसी व्यवस्था के तहत किए गए, साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए थे। इसके बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई, लोकसभा भी भंग हो गई, तो इसलिए ये व्यवस्था टूट गई और उसके बाद अलग अलग चुनाव होने लगे। हालांकि कई बार विधि आयोग और ईसीआई ने भी ये सुझाया है कि हम वापस से वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कैसे सरकार नंबर गेम में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में फंस सकती है। अब मन में एक और सवाल आता है कि सपोज हमने वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया, उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई और किसी सरकार को गिरना पड़ा, तो क्या फिर सरकार मिड इलेक्शंस करवाएगी या फिर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा? आप न्यूज़24 देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।